आरा नगर थाना क्षेत्र के नाजिरगंज में हथियारों की तस्करी कर रहे दो अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अपराधियों में नगर थाना क्षेत्र के नाजिरगंज निवासी कुख्यात चांद कुरैसी के बेटे आसिफ कुरैसी और तालिब कुरैसी हैं। दोनों के पास से 3 देसी पिस्टल, 9 देसी पिस्टल का मैगजीन, 1 जिंदा कारतूस, 1 एयर गन बरामद किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी सहायक पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने नगर थाना में प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के नाजिरगंज निवासी मोहम्मद आसिफ कुरैसी के घर पर अवैध हथियार रखने और उसकी तस्करी की जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक छापेमारी टीम बनाई, जिस टीम में सहायक पुलिस अधीक्षक हिमांशु, नगर थाना के दारोगा अविनाश कुमार, DIU अवधेश कुमार, कुमार रजनीकांत, संजय कुमार, सुदेह कुमार, राजीव रंजन, सिपाही अविनाश कुमार, विकास कुमार, शैलेश कुमार और अमित कुमार शामिल थे, जिसके बाद गुप्त सूचना पर छापेमारी किया गया। दोनों में से एक अपराधी मोहम्मद आसिफ का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जो कांड संख्या 603/21 के तहत आर्म्स एक्ट में 28 अगस्त 2021 में जेल गया था। SP ने बताया कि दोनों नए नए लड़कों को हथियार बेचते थे। आगे पूछताछ की जा रही है, पूरा गिरोह का भी पर्दाफाश किया जाएगा। छः 2022 को हमें गुप्त सूचना मिली कि नाजिरगंज जो टाउन थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे मोहम्मद आसिफ कुरैशी के घर पे हथियार है, अवैध हथियार है। तो हम लोगों ने टीम गठन किया और टीम DIU एवं नगर थाना के नेतृत्व में वहाँ पे रेड किए। रेड में हमें जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 देसी पिस्टल का मैगजीन, 9 1 जिंदा कारतूस एवं 1 एयर गन मिला। तो ये हमें रिकवरी हुई, साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जो कि नाजिरगंज के ही निवासी हैं। एक का नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी है और दूसरे का नाम वो उसका भाई है मोहम्मद तालिब कुरैशी। दोनों पिता मोहम्मद चांद कुरैशी के बेटे हैं और नगर थाना अंतर्गत इनका घर पड़ता है। मोहम्मद आसिफ कुरैशी का एक आर्म्स तस्करी में पहले भी एक आर्म्स एक्ट में केस हुआ है, आपराधिक इतिहास है इनका। नगर थाना कांड संख्या 603/21 जो कि 29/8/2021 में हुआ था। तो ये पहले भी जेल जा चुके हैं और फिर भी सूचना थी इनके, ये हमें और भी तस्करों के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो उन पर भी रेड होगा और रिकवरी की उम्मीद आप कर सकते हैं। ये सर, ये आया कहाँ से, कुछ पता चला सर ये इतने हथियार? ये जो मेड है इसकी हम लोग जाँच करवाएंगे और ये जहाँ तक हमें लग रहा है ये मुंगेर की गन फैक्ट्रीज हैं, वहाँ से ये लोग लाते हैं। बट और भी जगह हो सकता है, तो वहाँ से हम लोग और पूछताछ एवं और जाँच करके ही ये पता चल पाया। सर, ये लोग कहाँ काम बिक्री करते थे सर? ये टाउन, ये जैसे कि हमें पूछताछ में पता चला कि जो यहाँ के शार्प शूटर्स हुए या लड़के हुए, नए लड़के जो होते हैं, यंगस्टर टाइप के लड़के होते हैं, उनको ये लोग बेचते हैं, खरीद के लाते हैं, इनके एक मार्जिन होती है, व्यवसाय की तरह ये काम करते हैं। ठीक है।